Hello guys, my name is Maulik Pandya and I'm back with another video. In this video, we are going to talk about how to check construction quality of your second hand house. सही सुना आपने, अगर आपने घर किसी और से ख़रीदा है, वो जिसने घर पहले ही बना लिया था और वो काफ़ी साल उस घर में रह चुका है और आप वहाँ से आपको शिफ्ट करना चाहते हो उस घर में, देन उस घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसे चेक की जाती है, इस वीडियो में जानेंगे हम। तो वीडियो को एंड तक देखना और पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वैसे तो ये कुछ तरीके होते हैं घर के क्वालिटी चेक करने के लिए, कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको बारी बारी से परफॉर्म करना पड़ता है। अगर आपको सिर्फ इन स्टेप्स को ऊपर से देखना है, उनके नाम जानने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप जाके वहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ये सारे स्टेप्स को डिटेल्स में समझना है कि एक एक स्टेप कैसे काम करता है, फिर तो आपको ये पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा एंड तक, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ओके, जोक्स अपार्ट, अब काम की बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप आता है डिटरमाइन द सॉइल टाइप। डिटरमाइन द सॉइल टाइप्स में हमें पता करना होता है कि जिस जगह पे हम रहने वाले हैं या जो घर हमारा जहाँ पे है ऑलरेडी, वहाँ के आजू बाजू की सॉइल किस तरह की है। लाइक अगर आपको पता हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स होती है, कुछ स्वेलिंग टाइप सॉइल्स होती है जिसमें अगर हम थोड़ा सा भी प्रेशर दे तो वो काफ़ी स्वेल कर जाती है, और कुछ श्रिंकेज टाइप की सॉइल भी होती है जो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अभी मैं सिविल इंजीनियरिंग तो पूरी पढ़ाने बैठने वाला हूँ नहीं, लेकिन हाँ, आपको सॉइल्स के थोड़े नेचर को आपको समझना होता है। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल में अगर आप कोई भी चीज़ पेनिट्रेट करोगे तो वो ईजिली अंदर घुस जाएगी और घुसती चली जाएगी। अगर उसमें आपको अपने फाउंडेशन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है तो आपके वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के पाइल फाउंडेशन होते हैं, वो आपको इंसर्ट करवाने होंगे, वैसा सब करवाना होगा। तो आपको ये सॉइल इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, एक बार आपकी सॉइल की टाइप आपको पता करनी होगी। अच्छे खासे सालों से कोई घर वहाँ पे है, अगर मान लो 5-10 साल हो गए, देन हो सकता है कि संभावना काफ़ी कम हो चुकी हो उस घर की स्वेलिंग या सिंकेज की, मतलब फाउंडेशन सेटल डाउन होने की। तो कह सकते हैं हम कि घर की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अगर घर को लिए गए 1-2 साल ही हुआ हो तो 1-2 साल में पता नहीं कर सकते कि फाउंडेशन कितना सेटल हुआ है नीचे। तो ये एक चीज़ ज़रूर से हमें चेक कर लेनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टेप्स की ओर, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये आपको अच्छे से समझना होगा। और स्टेप है हमारा चेक दी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और आर्किटेक्चर डिज़ाइन। जनरली क्या होता है कि कोई घर बन चुका है अगर, तो वो घर की डिज़ाइन तो की गई होगी, कि घर का प्लान होगा, घर के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होंगे जिसमें कॉलम बीम सबकी लोड सहने की कैपेसिटी बताई गई होगी कि इतना लोड सह सकता है। देन अगर आपके पास आर्किटेक्चर प्लान आता है तो उसमें स्पेसिंग्स का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दिया हुआ होता है कि आप रोड से इतने मार्जिन तक घर रख सकते हो, तो आप उससे वो भी चेक कर सकते हो कि लीगली आपका घर एज़ पर दी प्लान है या नहीं, क्योंकि प्लान के मुताबिक होना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, वरना आप लीगल चक्करों में फंस सकते हो। लीगल मीन्स आई थिंक पुलिस के चक्करों में फंस सकते हो। देन जनरली आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग का एक ही मोटो होता है कि आपको सबसे पहले तो बीम, कॉलम, स्लैब, अपने फाउंडेशन, फुटिंग, इन सब की स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी के बारे में पता चले कि वो कितने स्टेबल है, कितने साल तक और टिकेंगे। उसमें जनरली स्ट्रक्चर की लाइफ आपको पता चल जाती है कि ये 50 साल चलेगा या 100 साल चलेगा या 150 साल तक चलेगा। तो ये सारी चीज़ें जनरली एक डिज़ाइन को देख के पता चल जाती है। उसमें अच्छे खासे तरीके से एस्टिमेट किया गया होता है, तो आपको घर की वैल्यू जानने में या मटेरियल जो इसमें यूज़ हुआ है घर के अंदर, वो भी आपको में काफ़ी हेल्प हो जाएगी अगर आप इस तरह से चेक करो तो। ये एक काफ़ी अच्छा सा पॉइंट है, आपको अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। ओके, सो इसी के साथ हमारा थर्ड स्टेप आता है इंस्पेक्ट द वॉल थिकनेस। जनरली इसमें क्या होता है कि जो वॉल की थिकनेस हमें बताई गई होती है बिल्डर के द्वारा या तो फिर जो फर्स्ट ओनर थे उनके द्वारा,
तो वो हमें क्रॉस वेरीफाई कर लेनी चाहिए जो प्लान में दी गई है। वो जनरली आपको आर्किटेक्चर प्लान में ये सारी चीज़ें मिल जाएगी कि वॉल की थिकनेस क्या है, रूम की साइज़ क्या है, ये सब उस प्लान में अच्छे से डिटेल्स में मिल जाएगा। अगर आप उससे कंपेयर कर लेते हो अपने रियल लाइफ स्ट्रक्चर के साथ, तो आपको फ्यूचर में किसी इलीगल चीज़ों में फंसने से संभावना कम हो जाती है। ये चीज़ें आपको तभी उसी टाइम चेक कर लेनी चाहिए फिज़िकली जाके, या तो फिर कोई अपने ट्रस्टेड आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियर को अपने पास ले जाके, जिसे आप जानते हो, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको, वैसे कोई बंदे को वहाँ पर ले जाकर। ओके, हमारा फोर्थ स्टेप आता है चेक द प्लास्टरिंग क्वालिटी। अब क्या होगा कि घर ऑलरेडी पुराना है, तो उसके अंदर हो सकता है कि भीग जाता हो, पानी दीवारों के अंदर घुस जाता हो बारिश के टाइम पे, मानसून के टाइम पे। उसके बाद ठंड में कुछ दीवारें श्रिंक कर जाती हो, सिकुड़ जाती हो, तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है प्लास्टरिंग क्वालिटी पर। अब जनरली अगर नया नया पेंट करवाया हो तो आप प्लास्टरिंग क्वालिटी चेक नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर घर पुराना सा है, पेंट कराया नहीं है, तो आपको अच्छे से दरारें सब दिख जाएगा, प्लास्टरिंग क्वालिटी आपको दिख जाएगी। जिससे अगर आपको चेक करना हो अच्छे से, तो आप एक अपना नाखून घुसा के या तो फिर उसके ऊपर हल्का सा स्क्रैच करके आप कर सकते हो। आई नो उससे पेंट पर सबसे ज़्यादा पहले इफ़ेक्ट पड़ेगा, बट आपको प्लास्टरिंग क्वालिटी दिख जाएगी। अगर पेंट उखड़ता है सिर्फ, तो आप समझ जाना कि प्लास्टर क्वालिटी अच्छी है और अभी भी काफ़ी सालों तक अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपके नाखून घुसाने से पूरा का पूरा प्लास्टर पर इफ़ेक्ट पड़ता है या दरार लंबी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, तो समझ जाना कि प्लास्टरिंग क्वालिटी काफ़ी घटिया है, जिसके एक नाखून घुसाने से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ओके, देन हमारा फिफ्थ स्टेप आता है क्वालिटी चेक ऑफ फिटिंग एंड फीचर्स। अब इसमें क्या होता है कि जनरली कौन सी प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक की चीज़ें हमने यूज़ की है, कौन सी कंपनी की यूज़ की है, कितनी इफ़ेक्टिव है, क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर कर जाती है। फिटिंग्स में जनरली हम बात करते हैं प्लम्बिंग पाइप्स की, देन जो हमने सैनिटरी के लिए जो नल प्रोवाइड किए गए होते हैं, उसमें कौन सी क्वालिटी अच्छी चल रही है, कैसी चल रही है, पानी कितनी प्रेशर से आ रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है, कहीं लीकेज है या नहीं है। देन स्लोप कैसा प्रोवाइड किया गया है बाथरूम में, ये भी काफ़ी मैटर कर जाता है, और स्लोप के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितना पानी कहाँ रह रहा है। अगर स्लोप अच्छा नहीं होगा तो पानी बाथरूम में कोई एक जगह पर स्टोर हो जाएगा, जहाँ पर उसकी संभावना काफ़ी कम हो जाएगी कि पानी एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाए और फिर वो बीमारियाँ क्रिएट करता है, मॉस्किटो जैसे बढ़ जाते हैं, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। देन दूसरी चीज़ें क्या होती है कि वो स्ट्रक्चरल क्वालिटी को भी डिक्रीज करता है, उसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। जैसे कि पानी एक जगह पे स्टोर है तो वो टाइल्स को सबसे पहले हार्म करेगा, देन सेकंड टाइल्स के अंदर जाके प्लास्टर्स को हार्म करेगा, प्लास्टर्स के अंदर जाके धीरे धीरे वो अंदर के कंक्रीट को डैमेज करेगा और फिर रेनफोर्समेंट को डैमेज करेगा, उसमें करोजन और ये सारी चीज़ें लग जाती है। तो पानी का भरा हुआ रहना एक जगह पे, ये काफ़ी नुकसानदायी होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर को। देन क्या होता है, आपको फिटिंग में दूसरी क्या चीज़ें करनी चेक करनी होती है, अगर कोई पाइपलाइन दीवार के अंदर से निकाली गई है, तो आपको आई थिंक हर 2-3 महीने में चेक करवाना ही होता है कि वो पाइप में से कहीं लीकेज नहीं हो रहा, क्योंकि जो लीकेज अगर छोटा सा भी होगा तो वॉल्स के अंदर पानी जाएगा, दीवारों के अंदर, तो उससे ब्रिक क्वालिटी काफ़ी काफ़ी वीक हो जाएगी, और वो जो वीक होगी उसकी वजह से आपकी पूरी दीवार गिर सकती है, पूरी दीवार को नुकसान हो सकता है। और ये काफ़ी डेंजरस थिंग है अगर हम सोचने जाए तो। देन आता है इलेक्ट्रिकल की बात है। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि अगर कहीं पे अच्छे से वायर्स प्रोवाइड नहीं किए गए हो और शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो वो शॉर्ट सर्किट, अभी फ्यूज़ की सिस्टम है तो ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किट बड़ा नहीं होगा, लेकिन वो शॉर्ट सर्किट अगर वॉल्स के थ्रू हो, अगर दीवारों के अंदर हो, तो फिर वो नुकसानदायी होता है, क्योंकि दीवार के अंदर कहीं ना कहीं वो डैमेज करता है। अगर स्लैब में से वायर आ रहा है तो वो कंक्रीट को डैमेज करेगा, रेनफोर्समेंट को डैमेज करेगा। वो छोटा सा डैमेज जब बारिश होगी
तब वो बड़ा होगा धीरे धीरे, क्योंकि जो डैमेज हुआ है उसमें कभी ना कभी पानी घुसेगा ही किसी भी तरह से, और जब बारिश का पानी उसके अंदर घुसेगा तो वो डैमेज बड़ा होगा, और उससे आपका स्लैब कभी भी वीक होके टूट के गिर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर रेनफोर्समेंट में पानी घुस रहा है तो वो करोजिव होगा, मतलब काट लगना स्टार्ट होगा, और काट लगेगा तो उससे क्या होगा कि रेनफोर्समेंट वीक हो जाएंगे और वो स्टेबल नहीं रह पाएंगे, और रेनफोर्समेंट की क्वालिटी जैसे ही डाउन होगी वैसे पूरा स्लैब टूट जाएगा, डक्टिलिटी उसकी चली जाएगी और पूरा का पूरा स्लैब गिर जाएगा। तो ये काफ़ी डेंजरस है, रिस्कफुल है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से चेक करनी चाहिए आफ्टर 2 या 3 मंथ्स, मतलब हर 2 से 3 महीने के गैप में। चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्टेप की ओर, जो कि है घर की क्वालिटी चेक करने का तरीका थ्रू रेरा। रेरा क्या है, क्यों है, कैसा है, कब है, ये सब अगर आपको जानना है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जो कि ऊपर आई बटन में शो हो रही है इस वक्त, और सेकेंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक है। जनरली मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दूँ तो रेरा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारे घर की रजिस्ट्रेशन होती है, किसने घर बनाया, कैसे बनाया, कौन से क्वालिटी का मटेरियल यूज़ हुआ है घर बनाते वक्त, कौन से इक्विपमेंट से घर बना है, कितने घर बनाए गए थे ऐसे, और मतलब बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर, ये सारी डिटेल्स उसमें रजिस्टर होती है जिसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हो कि आपका घर कौन से क्वालिटी से बना है, कौन से मटेरियल से बनाया है। रेरा के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट्स होते हैं कुछ लेबर्स के, देन ओनर्स के तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आपको पता करना हो कि घर का फर्स्ट ओनर कौन था, सेकंड ओनर कौन था, ये सब चीज़ें भी रेरा में रजिस्ट्रेशन होती है। जब आप कोई घर खरीदते हो तो आपको भी ये सारी चीज़ें रेरा में रजिस्टर करवानी होती है। अगर आपको डाउट है कि पिछले ओनर ने या तो फिर बिल्डर ने कोई चीज़ छुपाई है आपसे, तो आप रेरा में जाके एक नोटिस डाल सकते हो जिससे आपको सारी डिटेल्स पता चले। आप उसमें जाके कंफर्म कर सकते हो कि जो बिल्डर ने आपसे बताया गया है, जो ब्रोशर में या तो फिर जो फर्स्ट ओनर था उन्होंने जो बताया है, वैसा है कि नहीं है एक्चुअली में। सो ये सारी चीज़ें आप अपने तरीके से पता कर सकते हो, यही होता है रेरा डॉक्यूमेंट। ये बिल्कुल लीगल डॉक्यूमेंट होता है, लीगल एक्ट है बिल्कुल। अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स में जानना है तो जैसे कि मैंने कहा कि आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो, या तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप पूरा वीडियो चेक कर सकते हो हमारा। ये पार्ट 2 है बेसिकली, पार्ट 1 हमारा 1 साल पहले आया था, हाउ टू चेक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऑफ योर हाउस। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसकी भी लिंक मैंने आई बटन में डाली हुई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वो जाके भी चेक कर सकते हो। थैंक यू। तो यही था हमारा वीडियो, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो घर लेने का सोच रहे हैं हाल ही में, या तो फिर जिनको नहीं पता कि अपने घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसे चेक की जाए। थैंक यू हमें इतना वक्त देने के लिए, और हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले ही ऐसे एक वीडियो में।